निराली से भेंट हुई और फिर महादेवी जी के यहाँ उनका आगमन हुआ। संस्मरण लिखने योग्य भी है पर पहले प्रथम बार परंपरा में कहता हूँ, सुबह ही सुबह उन्होंने घंटी बजा करके और पुकारा उनको और वो बोली, कैसे आए हो अभी इतने भोर में? दीदी तुम 2 रुपया दो। किस लिए? 1 रुपया मैं राखी बंधवा करके तुमको दूंगा और 1 रुपये से वापिस इस रिक्शे वाले के साथ कारागंज जाऊंगा। ऐसे स्वनाम धन्य निराला इस देश में उत्पन्न हुए और वो ये लिखते थे कि जिंदगी देती थपेड़े भावना के इस भंवर में और मैं डूबा हुआ है। ये मेरी रचना कई होती थी उस समय और इसका नाम है निराला की मर्मवाणी। कि जिंदगी देती थपेड़े भावना के इस भंवर में और मैं डूबा हुआ ही चल रहा हूं इस सफर में। मैं पीड़ा का पाताल गर्व का एक हिमालय। कौन उठाता धुआं अंधेरे की? मैं महाप्रलय हूं। मैं चुप हूं आज मेरे गीत क्यों चुप हो गए हैं? मैं चुप हूं आज मेरे गीत क्यों चुप हो गए हैं? अब भावना की किस कटीली राह में वे खो गए हैं? क्यों खड़ी लौ दूर मेरे हाथ में जब दीप बलता जी रहा हूं किंतु मेरे प्राण की कितनी विवशता। इसका अंतिम छंद सुनिए जो निराला बोल रहे हैं। मैं स्वयं भूखा नहीं, मैं स्वयं प्यासा नहीं हूं किंतु औरों को लगेगी भूख मेरी प्यास मेरी। मैं स्वयं भूखा नहीं हूं, मैं स्वयं प्यासा नहीं हूं किंतु औरों को लगेगी भूख मेरी प्यास मेरी। तब स्वाभिमानी इस प्रकृति का तब दिखेगा ऋण बिखरता। मैं स्वयं भूखा नहीं हूं, मैं स्वयं प्यासा नहीं हूं क्यों खड़ी लो दूर मेरे हाथ में जब दीप बलता। जिंदगी की ये बात निराला ही कह सकते थे कि मैं स्वयं भूखा नहीं हूं, मैं स्वयं प्यासा नहीं हूं किंतु औरों को लगेगी भूख मेरे प्यास।